हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा भाई यूट्यूब की 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के बारे में, जिनका आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर यूट्यूब चलाते भाई बहुत काम की सेटिंग्स हैं, अगर आपको इनके बारे में पता है तो भाई बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आप कर पाओगे यूट्यूब ऐप का। चलिए भाई यूट्यूब ऐप को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद भाई आपको सीधा आ जाना है अपने प्रोफाइल के अंदर, और यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुल जाएगा। ठीक है, इसके अंदर आपको ऊपर ही ऑप्शन मिलते हैं, एक मिलता है स्विच अकाउंट का। इससे क्या है कि आप जो YouTube चला रहे हैं, अगर आपने और भी कोई ईमेल आईडी बना रखी है तो वहाँ पर आप इसको स्विच कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पर आपका Google अकाउंट, जो आपका अकाउंट है, जो आपकी ईमेल आईडी है, उसके सारी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके बाद है टर्न ऑन इनकोग्निटो। ठीक है, इसको थोड़ा बोलने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसको बोलते हैं इनकोग्निटो। ठीक है, इसको जब आप ऑन कर दोगे ना, तो इस मोड से क्या है, जो भी आप अपनी कोई वीडियो देखोगे तो उसकी जैसे यहाँ पर हिस्ट्री आ रखी है ना, ये देखो मैंने जो वीडियो देखी यहाँ पर हिस्ट्री आ रखी है, तो अगर आप इनकॉग्निटो मोड को ऑन कर दोगे तो भाई यहाँ पर आपकी कोई हिस्ट्री नहीं आएगी, इस तरह से हिस्ट्री दिखाई नहीं देगी। आप इनकॉग्निटो में चले जाओगे तो आपकी हिस्ट्री यहाँ से बंद हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी हिस्ट्री दिखती है, आपने जैसे कोई वीडियो देखी है और फिर उसके बाद में आपको दोबारा वो वीडियो, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आपकी सारी हिस्ट्री दिखाई देगी, जो भी वीडियो देखते हो वो यहाँ पर आ जाती है। जैसे आपने कोई वीडियो देखी आपको दोबारा देखनी है, लगता है कि दोबारा देखनी है, तो यहाँ से आराम से देख लेना। ठीक है, यहाँ पर जो है उसके बाद आती हैं योर वीडियो, अगर आपका चैनल है तो आपकी वीडियो यहाँ पे होगी, अगर नहीं है तो यहाँ पे आपको नहीं दिखाई देगा आपके वीडियो में। उसके बाद भाई देखो टाइम वॉच्ड, इसके अंदर क्या होता है, जो जो इंपॉर्टेंट सेटिंग मैं आपको वही बताऊंगा, बाकी सेटिंग तो बहुत सारी होती हैं। अब जैसे टाइम वॉच्ड है, अब इस पर हम क्लिक करेंगे तो भाई देखो यहाँ पर जितनी देर आप यूट्यूब यूज़ करते हो ना, वो सारा टाइम यहाँ पर आ जाता है। जैसे आज टुडे का लिखा हुआ है, टुडे मैंने 15 मिनट चलाई है। ठीक है, ट्यूजडे टुडे तो कल का था, इसमें आज का है, और देखो लास्ट 7-7 दिनों में मैंने 26 मिनट यूट्यूब यहाँ पे चलाई है। ठीक है ना, तो इसमें सारी डिटेल आपको मिलती है यहाँ पर देखने के लिए। और इसके अंदर ये 3 सेटिंग और हैं, इनका भी मैं आगे दिखाऊंगा आपको, ये आगे भी है टूल्स के अंदर। तो यहाँ से केवल आप ही अपना भाई टाइम जितना भी आप कर रहे हो उस पर यूट्यूब पर अपना तो दे रहे हो, तो यहाँ पर आपको टाइम मिल जाएगा टुडे का भी और लास्ट दिन का भी। ठीक है, 7 डेज़ का यहाँ से इसे करते हैं। अब चलते हैं सेटिंग्स में, ऊपर आपको यहाँ सेटिंग्स दिखाई देंगी, ये कोने में देखो, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब जैसी सेटिंग्स में आ जाओगे भाई, यहाँ पर है आपकी सारी इंपॉर्टेंट सेटिंग, जितने भी YouTube ऐप के अंदर है सारी सेटिंग्स आपको यहीं पर मिलेंगी देखने। जैसे सबसे पहले ऊपर जनरल की सेटिंग है। ठीक है, अब जो सेटिंग वहाँ अंदर दिख रही थी वही सेटिंग यहाँ पर है, रिमाइंड मी टू टेक ए ब्रेक। ठीक है, ये सेटिंग होती है, आपको यहाँ से ऑन कर दोगे तो ये आपको देखो बता देगी भाई आप कितनी देर, अगर ज़्यादा देर यूट्यूब चला रहे हो, आपको लगता है कि मुझे 1 घंटा चलानी है या आपको 2 घंटे चलाए, तो जितने टाइम यहाँ पर आप फिक्स कर दोगे ना, जितने यहाँ पर टाइम डाल दोगे और ओके कर दोगे, तो उतने टाइम बाद ही आपको यूट्यूब से पता लग जाएगा भाई आपको अब ब्रेक लेना है, आपने ज़्यादा देर यूज़ कर लिया है भाई, आपको 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितना भी टाइम करना अपने हिसाब से, तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा। तो इसको जब आप ऑन करोगे तो यहाँ से ये ऑन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद रिमाइंड मी वैन इट्स बेड टाइम, तो इससे क्या है, ये देखो यहाँ पर आपको बता देगा कि भाई किस टाइम आपने फ़ोन इसमें टाइम डाल दो तो किस टाइम आपको सोना है, तो अपना टाइम यहाँ से डाल लेना, तो ये बता देगा भाई 10 बज गए हैं, रात के 11 बज गए हैं, तो आपके सोने का टाइम हो गया भाई, अपना आप YouTube को बंद करो और सो जाओ। तो इसमें ये वाली सेटिंग भी आपको मिलेगी। ठीक है यहाँ पे कर दो भाई, टाइम इसमें दे रखा है, मैं यहाँ करता हूँ 10 PM से 5 AM, मतलब उसमें 5 AM से आपका फ़ोन जो मतलब ये बता देगा कि भाई टेक ब्रेक का टाइम हो गया। करते हैं टाइम अपने आप से आप फिक्स कर सकते हैं, मतलब जो भी आपको अच्छा लगे टाइम उस टाइम आप इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद है अपीयरेंस। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो थीम है, जैसे मेरी ये इसमें डिवाइस थीम है, पर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं इसको, जैसे मैं लाइट पे कर दूंगा तो देखो वाइट हो जाएगा, और अगर डार्क पे कर दोगे तो ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको थीम, इससे क्या है बैटरी भी बचती है आपकी, आपकी बैटरी जो यूज़ करोगे अगर डार्क थीम में यूज़ करोगे तो बैटरी कम लगती है और लाइट थीम में ज़्यादा लगती है। तो मैं तो डिवाइस की यूज़ करता हूँ, जो मेरी डिवाइस में है तो सब अपने आप जाती है, तो आप अपने डिवाइस की भी कर सकते हैं या फिर ये दोनों यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है भाई ऐप लैंग्वेज, आप अपनी जो यूट्यूब है उसकी देखो लैंग्वेज भी बदल सकते हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारी लैंग्वेज देखने के लिए मिलेंगी, तो जो आपकी लैंग्वेज जिसमें आप जैसे हिंदी है या और भी आपको जो अच्छी लगे वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है देखो यहाँ पर है प्लेबैक इन फीड्स। ठीक है, प्लेबैक इन फीड्स का मतलब होता है कि जैसे आपकी जो वीडियो है ना, जब आप अपना यूट्यूब चलाते हो तो आप देखा होगा आपने वीडियो जो ऑटोमेटिक चलने लगती हैं, तो अगर ये ऑलवेज ऑन रहेगा तो आपके उसमें जब भी वीडियो आप मतलब यूट्यूब खोलोगे तो वीडियो वहाँ पर अपने आप चलने लगेगी, और अगर आप इसे वाईफाई पे कर दोगे तो जब वाईफाई से कनेक्ट करोगे तभी चलेगी, और ऑफ़ करोगे तो वो ऑफ़ रहेगा, फिर वीडियो वहाँ पर प्ले नहीं होगी। वरना आपने देखा होगा यूट्यूब खोलते हैं अपने आप ऑटोमेटिक वीडियो प्ले होने लगती हैं, तो ये वाली सेटिंग यहाँ से होती है। ठीक है,
उसके बाद डबल टैप टू सीक, ये होता है कि जब आप अपनी वीडियो पर डबल टैप उसे आगे पीछे करने के लिए करते हैं ना, जैसे वीडियो चल रही है और उस पर दो बार टैप करोगे तो वो 10 सेकंड आगे बढ़ जाएगी। तो यहाँ से आप टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं कि दो बार टैप करोगे तो 5 सेकंड बढ़ेगी, या फिर आप 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 60 सेकंड। तो ये हुआ डबल टैप, मतलब दो बार आप टैप करोगे तो वो टाइम यहाँ से सिलेक्ट, उतनी वीडियो आपकी आगे बढ़ जाएगी, पीछे हो जाएगी। उसके बाद है जूम टू फिल स्क्रीन, ये है ऑलवेज जूम टू दैट वीडियो फिल द स्क्रीन इन फुल साइज, ये वहाँ पे ऑप्शन आता है जूम का, जाके जब उस पर क्लिक करते हो तो आपकी वीडियो जो है पूरे पे जाता है, उंगली से भी आप कर देते हो ऐसे तो आपकी फुल स्क्रीन हो जाती है, तो वाली सेटिंग यहाँ से ऑन होती है। उसके बाद है अपलोड का, भाई आप अपलोड वीडियो करोगे तो वहाँ पे नेटवर्क के बारे में पूछ रहा है कि आप वाईफाई से करना चाहते हो या फ़ोन का नेटवर्क भी यूज़ करना चाहते हो। जब आप वीडियो अपलोड करो तो जब चैनल बनाते हैं उनके लिए, पर नॉर्मल लोगों के लिए तो भाई नहीं है चैनल। उसके बाद देखो लोकेशन आ गई यहाँ पे, ये देखो लोकेशन यहाँ पे हो गई, लोकेशन आप अपनी यहाँ पे दिखाएगी आपको यहाँ पे। उसके बाद आप लोकेशन चेंज भी कर सकते हो, पर इसका तो कुछ फ़ायदा है नहीं भाई, इंडिया में चला रहे तो इंडिया ही रहेगा। उसके बाद है रेस्ट्रिक्शन मोड, भाई इसमें दिस हेल्प टू हेल्प प्रोवेंटली मैच्योर वीडियोज नो फिल्टर 100% एक्योर दिस सेटिंग ओनली अभी ऐप ऑन दिस डिवाइस, ये भाई ये होती है रेस्ट्रिक्टेड मोड। इसमें कुछ भाई वीडियोज होती हैं वो हाइड हो जाती हैं, जैसे कोई 18+ की वीडियो हैं तो वो इसमें से हाइड हो जाएंगी, अपना जो इसे यहाँ से ऑन कर दोगे तो उस तरह की वीडियो यहाँ पे नहीं आएगी। पर ये कहता है कि नो फिल्टर 100% एक्यूरेट, कि भाई कोई भी फिल्टर 100% एक्यूरेट नहीं होता, मतलब अपना भाई वो सेफ पॉइंट लेके चलने पर इसे ऑन कर दोगे तो आपके मतलब फ़ोन में जैसे बच्चों को देना है तो वहाँ पर वैसी वाली वीडियोस नहीं आएंगी जो मतलब बड़े बच्चे मतलब बड़े लोग देखते हैं 18+ के, तो इसको आप ऑन कर दोगे तो वहाँ से वो वीडियोस बंद हो जाते हैं। तो अपने हिसाब से आप देख लेना, मैं सारी सेटिंग्स बता रहा हूँ, ठीक है। ऑन ऑफ करना आपके ऊपर, आपको जो अच्छी लगे आप अपना देख के ऑन ऑफ कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ से चलते हैं बैक। अब दूसरी है डाटा सेविंग की, इम्पोर्टेंट वाली मैं आपको बताऊँगा, बाकी सारी तो बहुत सारी हैं और 10 से ज़्यादा ही मैं आपको बताऊँगा टॉप 10 से। अब देखो इसमें है डाटा सेविंग मोड, डाटा सेविंग मोड जैसे ही आप ऑन करोगे यहाँ सारे ऑन हो जाएंगे। इससे क्या होता है, जब आपके फ़ोन में कम डाटा है, कम नेट है, तो आप इसको ऑन कर लोगे तो भाई आप वीडियो देखोगे, जैसे कुछ वीडियो होती है ना उनको केवल आप सुनना चाहते हो, आप देखना नहीं चाहते, तो यहाँ से ऑन कर लोगे तो उनकी क्वालिटी जो है कम क्वालिटी में चलने लगती है वो। उससे देखिए यहाँ पे ना देखो रिड्यूस वीडियो क्वालिटी, तो वीडियो क्वालिटी उसकी डाउन हो जाती है, पर वीडियो जो है वो चलती है मस्त तरीके से, बस क्वालिटी उसकी डाउन रहेगी, आपके फ़ोन में डाटा बचता रहेगा, डाटा सेव होता रहेगा, ठीक है। तो जब एक सेटिंग ऑन करोगे तो यहाँ सारी देखो ऑन हो जाती है, डाटा सेविंग की सारी सेटिंग्स हैं, ये सारी सेटिंग आपकी ऑन हो जाएंगी यहाँ से, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, इसको मैं फिलहाल करता हूँ, आपको ऑन करना हो तो ऑन कर लेना अपना जो है डाटा के बारे में, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ऑटो प्ले, तो ऑटो प्ले अभी मैंने बताया व्हेन यू फिनिश वॉचिंग ए वीडियो अनदर वीडियो ऑटोमेटिकली प्ले, ठीक है। इसमें क्या, जब आप एक वीडियो देख लोगे ना तो दूसरी वीडियो ऑटोमेटिक से प्ले हो जाएगी आपके फ़ोन में, आपका जो है दूसरी वीडियो चलने लगेगी, मतलब आपको बार बार फ़ोन को अपने टच नहीं करना पड़ेगा, नेक्स्ट वीडियो अपने आप ऑटोमेटिक प्ले हो जाएगी जब इसको आप यहाँ से ऐसे ऑन कर दोगे, ठीक है। तो ये भी आप अपने हिसाब से देख लेना। उसके बाद है वीडियो क्वालिटी प्रेफरेंस, कि यहाँ पे वीडियो क्वालिटी है कि जब भाई आपके मोबाइल डाटा में चले तो ऑटो पे चले, या फिर भाई हाई पिक्चर क्वालिटी पे चले, या फिर डाटा सेवर पे चले, यहाँ पे तीन ऑप्शन मिलते हैं, इसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने सिलेक्ट कर रखा है कि भाई मोबाइल नेट से चले तो भाई वो कम ऑटो में चले, मतलब जितने नेटवर्क हों उतना चले, वरना आप इसे हाई पे कर देंगे ना इस पे हाईएस्ट पिक्चर क्वालिटी पे, और आपके फ़ोन में जो सिग्नल कम आ रहे तो फिर वो गोल गोल घूमता रहता है, वो चलती नहीं है, तो ऑटो पे रहने दोगे तो अच्छा है मोबाइल नेटवर्क में। और वाईफाई पे भाई आप इसे कर सकते हैं हाई पिक्चर क्वालिटी पे, इसमें ऑटो की ज़रूरत नहीं है, हाई पिक्चर क्वालिटी पे कर लें तो उससे वाईफाई से तो हाई पे ही आपकी मस्त तरीके से चलेगी। तो भाई ये है कुछ भाई सेटिंग मैन जो आप अपने यूट्यूब चलाते हो देखते हो उसमें कर सकते हैं, बहुत ही काम की सेटिंग है। तो अच्छी लगी हो आपको वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।